साथियों, मैंने सोशल मीडिया में एक वीडियो देखा। उस वीडियो में दीदी के करीबी बंगाल के टूरिज्म मिनिस्टर और यहां पास के ही विधायक लोगों को धमका रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट दिया तो लोगों को उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। भाइयों बहनों, क्या ये भाषा आपको मंजूर है? ये धमकी आपको मंजूर है? क्या लोकतंत्र में ऐसी धमकी को जगह है क्या? क्या मैं प्रधानमंत्री होने के बाद भी किसी हिंदुस्तान के बेटे को बेटी को ये कह सकता हूं कि मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगा? क्या मुझे अधिकार है क्या? अरे लोकतंत्र है, कानून का राज है। लेकिन दीदी का मंत्री कैमरे के सामने और सब कुछ कैमरा में कैद है, ये गुंडागर्दी खुलेआम है। ये दीदी के 10 साल के राज की यही सच्चाई है। बंगाल के लोगों को दीदी, बंगाल के लोगों को आपने क्या समझ रखा है? बंगाल के लोग आज बीजेपी को वोट दे रहे हैं तो टीएमसी के लोग उन्हें बाहर फेंक देंगे? इतनी हिम्मत? दीदी, ओ दीदी, बंगाल के लोग यहीं रहेंगे। दीदी लिख करके रखो, यहीं रहेंगे। अगर जाना ही है तो सरकार से आपको जाना होगा। दीदी आपको जाना। दीदी, ओ दीदी, दीदी आप बंगाल के लोगों की भाग्य विधाता नहीं है। बंगाल के लोग आपकी जागीर नहीं है दीदी। इसलिए बंगाल के लोगों ने तय कर दिया है कि आपको जाना ही होगा। ये बंगाल की जनता ने ठान लिया है। ये बंगाल की जनता आपको निकाल करके ही दम लेने वाली है। और दीदी ये भी याद रखिए, आप अकेली नहीं जाएगी। दीदी, ओ दीदी, आप अकेली नहीं जाएगी। आपके पूरे गिरोह को ये जनता हटा करके रहने वाली है। आपके साथ साथ ये तोलाबाज भी जाएंगे। आपके साथ साथ ये सिंडिकेट को भी जाना है। आपके साथ साथ जाएगी नॉर्थ बंगाल से भेदभाव करने वाली आपकी दुर्नीति भी जाएगी। आपके साथ साथ जाएगी बंगाल से वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति जाएगी। साथियों, ये क्षेत्र देश की सुरक्षा के लिए बहुत अहम है। इसे देश के भीतर बैठी ताकतों द्वारा चुनौती दी जा रही है।
तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति ने इस क्षेत्र की जो हालत की है वो आप भली भांति जानते हैं। केंद्र सरकार ऐसी ताकतों से सख्ती से निपट रही है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद इस क्षेत्र से ऐसी हर ताकत को हटाया जाएगा जिसे टीएमसी ने लाकर बसाया है, और टीएमसी ने ऐसी नकारात्मक ताकतों को आगे बढ़ाया है। बंगाल की बीजेपी सरकार आपके अधिकारों, आपकी पहचान की रक्षा करेगी। गोरखा हो, राजवंशी हो, आदिवासी हो, बंगाली हो, राभा टोटो, मेछे कोछे, सभी की रक्षा होगी। साथियों, दीदी और टीएमसी के नेताओं की सोच क्या है ये अब खुल करके सामने आ रहा है। एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, वो वीडियो आप देख करके लोग चौंक गए हैं। ये वीडियो ऐसा है जिसमें दीदी की करीबी एक नेता ने अनुसूचित जाति के लोगों का, एससी समुदाय का बहुत बड़ा अपमान किया है। उन्होंने कहा है कि बंगाल में जो अनुसूचित जाति है, शेड्यूल कास्ट समुदाय है, वो भिखारियों की तरह व्यवहार करता है। दीदी, इतना अहंकार, ऐसी सोच आपकी? शेड्यूल कास्ट समुदाय के मेरे भाई और बहनों और उनके बच्चों के साथ आपकी पार्टी, आपकी पार्टी के नेता इतनी नफरत करते हैं? भाई और बहनों, यही दीदी और उनके साथियों का यही असली चेहरा है। दीदी और उनके लोग शेड्यूल कास्ट समुदाय से इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि वो बीजेपी के साथ खड़े हैं। बीजेपी को आशीर्वाद देने खुलकर घरों से निकल रहे हैं। दीदी, ओ दीदी, ईश्वर ने आपको बंगाल की सेवा करने का इतना बेहतरीन अवसर दिया। आपने इतने स्वर्णिम अवसर को गंवा दिया दीदी, गंवा दिया और बंगाल को बर्बाद कर दिया। साथियों, अपनी हार सामने देख दीदी का गुस्सा मुझ पर बढ़ता जा रहा है। बंगाल के लोगों का मुझ पर स्नेह देख दीदी बंगाल के लोगों से भी नाराज है। दस साल तक गरीबों को सताने वाले गुंडों पर, हथियारों पर, लूटे गए तोलाबाजों पर दीदी को गुस्सा नहीं आया, लेकिन दीदी उन सुरक्षा बलों पर गुस्सा कर रही है जो बंगाल के लोगों के अधिकार की रक्षा कर रहे हैं। पंचायत चुनाव की तरह दीदी के गुंडे छप्पा भोट नहीं कर पा रहे, इसलिए दीदी नाराज है। अपने 10 साल के कामकाज का हिसाब किताब तो उन्होंने
आपको कभी दिया नहीं। इस चुनाव में उन्होंने जाकर के बताना चाहिए था 10 साल में आपके लिए क्या काम किया। वो जहां जाती है बस मोदी को गालियां देती रहती है। उन्होंने हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, अपने काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, पल पल का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, पाई पाई का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, पाइपों के कारनामों का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, अपने गुंडों के कारनामों का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, हिसाब देती है क्या? देती है क्या? कोई जवाब देती है क्या? सिर्फ गाली देती है। अब वो अपनी रैलियों में अपने छप्पा वोट गैंग को ट्रेनिंग देने लगी है, ट्रेनिंग, और सिखा रही है। आप हैरान हो जाएंगे।